दोस्तों, इस दुनिया में कुछ जानवर ऐसे पाए जाते हैं जो अपना रूप बदलने में और अपने आप को छिपाने में काफी माहिर होते हैं। वो जानवर अपने आप को इस तरह ढाल लेते हैं कि उनका शिकारी उन्हें कभी पहचान ही नहीं पाता और हमेशा धोखे में ही रह जाता है, जिस वजह से इन जानवरों की हमेशा जान बच जाती है। इनमें से कुछ जानवर काफी खतरनाक होते हैं तो कुछ जानवर काफी शांत स्वभाव के होते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों के बारे में बताएंगे जो अपने आप को इस तरह छिपा लेते हैं कि आप उन्हें अपने आंखों के सामने रहते हुए भी नहीं देख पाएंगे, और अगर आप उन्हें देख भी लेंगे तो आपको अपने ऊपर विश्वास ही नहीं होगा कि भला ये कोई जानवर है या कोई छलावा है। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, आपको एक लाइक करने में सिर्फ एक सेकंड लगेगा। प्लीज दोस्तों, लाइक जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीफ टेल्ड गेको। अब दोस्तों, जरा इस जानवर को देखो, आप देखकर भी इसे नहीं समझ पाओगे कि आखिर ये है क्या चीज। इसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद किसी ने एक आर्टिफिशियल कीड़े को बनाकर यहाँ पर रख दिया है, लेकिन दोस्तों ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये एक असली कीड़ा है। इसको देखने के बाद अच्छे से अच्छे 30 मार खा भी असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या चीज है और कैसे हो सकता है ये। दोस्तों, ये छिपकलियों की ऐसी प्रजाति होती है कि ये बिल्कुल पत्तियों की तरह दिखाई देती है। ये छिपकली इतने गजब तरीके से कैमोफ्लोज होती है कि अगर इसे आपकी हथेली पर रख दिया जाए तो तब भी आपको यही लगेगा कि ये एक सूखी हुई पत्ती है। दोस्तों, सच बताना, अगर इस छिपकली के बारे में आपको पता नहीं होता और आपके सामने ये छिपकली आ जाती तो क्या आप इसे सूखी पत्ती ही समझते या इसे एक छिपकली मानते, या आप इसे देखकर बहुत बुरी तरह डर जाते? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, क्या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? दोस्तों, इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बफ टिफ मॉथ। दोस्तों, आपने पिछली वीडियो में चलती फिरती लकड़ी का टुकड़ा तो देखा ही था, तो अब उड़ती हुई लकड़ी का भी नजारा देख ही लीजिए। दोस्तों, इस कीड़े का नाम है बफ टिफ मॉथ। ये कीड़े ज्यादातर यूरोप में पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर ये किसी पेड़ की लकड़ी पर बैठ जाए तो ये पता नहीं चल पाता कि ये एक तितली है या किसी पेड़ के टहनी का भाग है। ये कीड़ा इसी तरीके से अपने आप को छुपा लेता है, जिसे समझ पाना इनके शिकारियों के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। दोस्तों, ये कीड़े अपने आप को इतने अच्छी तरीके से अपने आसपास के वातावरण में छिपा लेते हैं कि इन्हें देख पाना काफी मुश्किल हो जाता है। अगर आप इन्हें जंगलों में ढूंढने जाएंगे तो आपको एक एक टहनी को बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा और उन्हें छूना भी पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों सिर्फ देखने से ही आप ये पता ही नहीं कर सकते कि ये तितली है या किसी लकड़ी का टुकड़ा है, जिस वजह से इन्हें वैज्ञानिक ढूंढ ही नहीं पाते। इनके ऊपर रिसर्च करने में सालों लग जाते हैं। मिमिक ऑक्टोपस। अब दोस्तों, कटलफिश भले ही क्यों ना अपना आकार और कलर बेशक से चेंज कर लेती हो, लेकिन दोस्तों ये मिमिक ऑक्टोपस कलर और आकार चेंज करने में तो उसका बाप निकला। ये ऑक्टोपस जिस चीज को भी देख लेता है उसके जैसा आकार लेने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता। ये इतने अच्छे तरीके से रंग और आकार को बदल लेता है कि इसका शिकारी इसे कभी पहचान ही नहीं पाता। और यही नहीं दोस्तों, ये दिखने के साथ साथ उस तरह की एक्टिंग भी कर लेता है। दोस्तों, ये मिमिक ऑक्टोपस दूसरे जानवरों के जैसा बड़ी आसानी से ही बन जाते हैं और फिर उनके जैसा एक्टिंग भी करने लग जाते हैं। दोस्तों, ये जब चाहे जब किसी भी प्रकार का रंग बदल सकते हैं, जब चाहे जब किसी भी समुद्री पौधे का आकार ले सकते हैं, और जब चाहे जब ये किसी सांप की तरह भी बन सकते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, ये हर उस चीज का आकार ले सकते हैं और उनके जैसा बन सकते हैं जिन्हें ये एक बार देख लें। ये ऐसे किस तरह कर सकते हैं आप इस वीडियो क्लिप में अपने सामने देख ही सकते हैं। दोस्तों, इसे किसी भी प्रकार का जादू मत समझना, ये बिल्कुल हकीकत है। दोस्तों, इनमें से आपको कौन सा जीव अच्छा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेजोन के बारे में आपने तो सुना ही होगा। अमेजोन का जंगल हमारे पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेजोन के जंगल से ही आता है। ये अमेजोन का जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है। अमेजोन के जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है, यानी कि कई हिस्सों में सूरज की रोशनी जमीन तक पहुँच ही नहीं पाती है। दोस्तों, अमेजोन की नदी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो कि 4000 मील लंबी है। लेकिन अगर पानी के स्टोरेज की बात की जाए तो अमेजोन की नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों, आज अमेजोन के जंगल में अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरीके के आदिवासी पाए जाते हैं।
कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कुछ आदिवासी तो बहुत ज्यादा नम्र भाव के होते हैं। जो नम्र भाव के आदिवासी होते हैं वह अमेजोन के जंगल के बाहरी हिस्से में रहते हैं और वह हमारी दुनिया से कॉन्टेक्ट में भी है और जल्दी ही बाहरी दुनिया से उनके अच्छे संबंध भी बने हैं। जब भी कोई टूरिस्ट इन्हें देखने जाता है तो यह अपने डांस से सभी टूरिस्ट को लुभा देते हैं। यह डांस ही नहीं, यह इनकी संस्कृति भी है। यह अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको आदिवासियों के बारे में और कुछ भी जानना है तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारी आने वाली अगली वीडियो आपको नहीं मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर देके जाना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।